बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे मटन और भिंडी शोरबे वाली, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और बकरीद के मौका है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। 300 ग्राम्स भिंडी है जिन्हें हमने अच्छी तरह वॉश करके इनके एजेस निकाल दिए थे और इन्हें साबुत छोड़ दिया। इसमें हमने डाली हैं एक दो साबुत हरी मिर्चें, जो ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। और हमने लिया है 300 ग्राम्स मटन, इसे अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया है। एक फुल साइज़ की हमने ली है प्याज, जिसे रफली चॉप कर लिया है। एक फुल साइज़ का हमने टमाटर लिया है, इसके भी हमने चार पीसेस कर लिए हैं। ये हमने एक हरी मिर्च ली है, इसके चार पीसेस कर लिए हैं अगर आप डालना चाहें तो। 1 टीस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये लिया है हमने 2 टीस्पून धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून लिया है हमने ज़ीरा। नमक ले लें जायके के मुताबिक। मिर्चें ली हैं हमने 1/2 टीस्पून, ये स्पाइसी हैं तो इसलिए हम 1/2 टीस्पून से भी हमने कम ली है। 1/2 टीस्पून ली है हमने हल्दी। ऑयल में सबसे पहले मटन डालेंगे, तो हम सब मसाले डालेंगे पिसे हुए, धनिया, ज़ीरा, मिर्चें, नमक, सब चीज़ें, और इसे थोड़ी देर भूनेंगे बस। देखिए व्यूअर्स, हमने इसे बस थोड़ी देर के लिए भून लिया है कुछ सेकंड के लिए। इसमें हम प्याज और टमाटर डालेंगे। डालेंगे हम 1/2 कप पानी, और जब तक गोश्त गले तब तक इसे हम पकाएंगे। अब इसे हम विसल लगाएंगे। देखिए व्यूअर्स, 3-4 विसल देने के बाद हमने इसे थोड़ी देर स्लो हीट पे पकाया है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से तैयार लग रहा है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है और प्याज और टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, गोश्त भी गल चुका है। अब हमें इसे और मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त जैसा हम चाह रहे थे ऐसे ही तैयार है। अब इसी शोरबे में हम भिंडियाँ डाल देंगे। भिंडी इसमें हमने शामिल की कर ली है। अब इसी में हम इसी शोरबे में इसे पकाएंगे। अब इसमें हम विसल नहीं लगाएंगे, बस इस पर लिड रख के और तब पकाएंगे। देखिए हमने इसे रख दिया है भिंडियों को, अब इसके ऊपर हम लिड रख देंगे और जब तक ये गले नहीं तब तक इसे पकाएंगे। व्यूअर्स, अब हम भिंडी चेक करेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हाफ डन है भिंडी हमारी। देखिए चेक करेंगे, अभी हमें बस थोड़ी सी कसर रह गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका शोरबा करेंगे, जितना भी आपको इसमें शोरबा रखना हो। वैसे भिंडियों में बहुत ज़्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा पानी वाली अच्छी नहीं लगती है। अब हम इसे हल्के से चला के और फिर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक के भिंडी अच्छी तरह गल ना जाए। देखिए व्यूअर्स, कुछ टाइम बाद हमने भिंडी चेक की है और ये देखिए तैयार है, बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है। अब हम आपको डिश आउट करने के बाद दिखाते। देखिए व्यूअर्स, हमारी भिंडी मटन के साथ बनके तैयार है शोरबे वाली, जो देखने में इतनी अच्छी लग रही हैं उतनी ही टेस्ट में भी ज़बरदस्त बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।